हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर लाइट की एक दूसरी अगली जो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, आज उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हिंदी में हम विवर्तन कहते हैं, और जो सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। और जो सिलेबस के अंदर है वो डिफ्रैक्शन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है, और इसका जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, उसका डेरिवेशन नहीं है बल्कि उसका थोड़ा सा थ्योरी है, और उसके डायरेक्ट जो रिजल्ट्स है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल मैं डिफ्रैक्शन को ही डिस्कस कर रहा हूँ कि डिफ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है, और इसका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो कैसे होता है। जैसे कि अभी इससे पहले हमने इंटरफेरेंस देखा था। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब दो लाइट वेव, दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं, तो सुपरपोजिशन के बाद जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, इस तरह से पैटर्न हमें मिलता है, उनको हम फ्रिंजेस भी कहते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके से लाइट का या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसको हम डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो वास्तव में अगर हम यहाँ पर देखें, कोई ओपेक अपारदर्शी कोई ओबिस्टिकल है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो देखते हैं कि इसके कॉर्नर से शार्प कॉर्नर होता है, जैसे कि कोई रेजर हो, ब्लेड हो, ब्लेड का जो कॉर्नर होता है उससे लाइट को अगर हम देखें तो वहाँ से लाइट, क्योंकि हम जानते हैं लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है ना, तो वहाँ पर देखा जाता है कि सीधी रेखा का अगर चल रही है तो यहाँ पर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, जो कि ठीक है, लेकिन इससे नीचे यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर लाइट सीधी जानी चाहिए, लेकिन इससे नीचे तो परफेक्ट डार्कनेस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट डार्कनेस वहाँ पर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी कुछ लाइट का पोर्शन जाता है। वो किसकी वजह से जाता है? ये जाता है उसके लाइट के एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन, विवर्तन, लाइट का मुड़ना। तो लाइट का जो मुड़ना होता है किसी भी ओपेक ऑब्स्टिकल से, तो उसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। चाहे वो इस तरह का एक शार्प कॉर्नर से मुड़ना हो, या किसी पिन होल से, या हम कहें किसी स्लिट से लाइट का मुड़ना हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एक तरीके से डिफ्रैक्शन ही कहते हैं। तो जब लाइट यहाँ से जाएगी तो एक इस कॉर्नर से होती जाएगी, और इस कॉर्नर से यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलती है, तो यहाँ पर तो पूरा परफेक्टली इल्यूमिनेशन होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन इसके ऊपर या नीचे परफेक्ट डार्कनेस होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी कुछ इंटेंसिटी हमें मिलती है, और वो इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है कि ये तो सेंट्रल मैक्सिमम कहलाता है, उसके बाद जो इंटेंसिटी आती है यहाँ पर, जो पीक्स हम दिखा रहे हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमम यहाँ पर होता है। तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जब हम डिस्कस करेंगे फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर, वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्या है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन है लाइट का मुड़ना किसी भी ओपेक ऑब्स्टिकल से या किसी भी स्लिट से। जब लाइट मुड़ती है, बैंड होती है, तो उसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना हम जो शो होता है, वो हम देख रहे हैं कि उसके लिए क्या, ये सभी टाइप्स की वेव्स के लिए होता है, चाहे वो साउंड वेव्स हो। अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में भी आवाज़ चली जाती है। इसका मतलब क्या है? लाइट हर तरह से वो डिफ्रैक्शन उसका होता है, लाइट मुड़ती है हर जगह से। और साथ ही हम देखते हैं कि जो ये स्लिट हमने यहाँ पर यूज़ की है, अगर इसकी स्लिट की विथ, जैसे यहाँ पर ये स्लिट ही है, स्लिट की विथ ए है, और जो लाइट की यहाँ से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, या जो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, वो सबसे जो अच्छा पैटर्न हमें मिलेगा, या हम कहें कि डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, वो तब होती है अगर जो हमारी लाइट की वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हमारी स्लिट विथ के लगभग कैसी हो, कंपेरेबल हो, तो लगभग इसके बराबर हो, इसी ऑर्डर की होनी चाहिए, तब जाके हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो अच्छा है, वहाँ पर हमें पैटर्न मिलता है। शार्प हमें अलग अलग वहाँ पर वो सेकेंडरी मैक्सिमम भी हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया यहाँ पर ये लाइट है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और एक स्लिट हमने यहाँ पर ली है जिसकी विथ ए है। तो अगर स्लिट यहाँ पर हम स्लिट को, ये जो स्लिट है ये लगभग हम 6 लैम्डा के बराबर अगर यहाँ पर ले लें, तो देखते हैं कि जो यहाँ से वेव फ्रंट होगा वो उसकी स्प्रेडिंग इतनी नहीं होती है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा ही, इधर अगर हम पैटर्न इसका देखेंगे तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा ही यहाँ पर मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमम उतने क्लियर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा, जो स्लिट विथ है इसको थोड़ा और कम कर दें, या हम कहें कि जो यहाँ पर ए है वो लगभग 3 लैम्डा के आसपास हम यहाँ पर ले लें, तो देखा जाता है कि इसकी जो स्प्रेडिंग है,
जो वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा वो स्प्रेडिंग थोड़ी बढ़ जाती है, या हम कहें कि यहाँ से जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा यहाँ पर, तो क्योंकि सामने वाले उस पर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और यहाँ पर थोड़ा सा ये और हमें सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखें कि जो लैम्डा है वो किसके लगभग बराबर हो जाए, जो या हम कहें कि जो स्लिट विथ है वो लगभग जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके कंपेरेबल हो जाए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर मिलता है उसकी जो इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की होगी और सेकेंडरी मैक्सिमा भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेकेंडरी मैक्सिमम हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि शार्प एक पैटर्न हमें वहाँ पर मिलता है और हम अलग अलग देखकर उसको बता सकते हैं कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम वहाँ पर ये है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो हमारी स्लिट विथ है वो जो लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल और उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, तब जाके हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारा है वो ज़्यादा शार्प वहाँ पर आता है। अगर हम इससे कम रख देंगे तो भी यहाँ पर ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है वो भी डिस्टर्ब होता वहाँ पर होता है। तो ये एक तरीके से डिफ्रैक्शन था कि लाइट में हम देखते हैं कि लाइट में इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करती है और डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी शो करती है, और आगे देखेंगे पोलराइजेशन भी शो करती है, तो ये डिफ्रैक्शन है। इस और डिफ्रैक्शन को जो हमारे फिजिसिस्ट हैं फ्रेजनल और फ्रानहोफर दोनों ने यहाँ पर दिया है, और जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है वो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक के सिलेबस में नहीं है, बल्कि फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन है वो भी सिंगल स्लिट के लिए है, उसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले उसमें यूज़ करेंगे और उसकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे और उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे कैसे बनता है उसको हम वहाँ पर समझेंगे, जो कि अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा कि फ्रानहोफर सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है इंटरफेरेंस होता है उनमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, तो वो हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पर तो क्या हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए क्या, तो लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है। इंटरफेरेंस क्या होता है, वहाँ पर तो दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं और वहाँ पर जो सेम फेज मैटर करता है कि वहाँ पर सेम फेज में या आउट ऑफ फेज में कोई आ रही है या कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस वहाँ पर है या नहीं है वो देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।